तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुनीत व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सभी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइस, इतने महीनों बाद मैं अपने व्लॉग दोबारा कंटिन्यू करते हुए इस गंदे चेहरे के साथ भूल गए। मेरे चैनल का नाम है पुनीत व्लॉग्स, जो कि आप जल्दी जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और आगे के व्लॉग में बने रहना इस गंदे से चेहरे के साथ। आपको इसमें बहुत सारी मस्ती देखने को मिलेगी, जो कि अभी तक रुकी पड़ी थी इतने दिनों से, अब कंटिन्यू। ये देखना टोपे। और गाइस, ये ना नोना को मारे जा रही है। नोना की मम्मी देख ले, तेरी बच्ची पे वो हो रहा है, क्या बोलते हो उसे, अत्याचार। माँ से तौलिया ले ले। तू लग कैसी दी है कोमल, देखी एक बार अपने आपको। अरे लो यार, लो लो लो, हैंडसम ब्रो। लड़की है, लड़कियों की तरह रहकर छुट्टियां होती है। यार क्या है यार, मैं जा रहा हूं। गाइस, हम लोग आए थे गुरुद्वारे, बिकॉज आज सैटरडे, आप लोगों को भी पता है हम लोग गुरुद्वारे आते हैं। तो हम लोग अभी निकले थे घर से, पर यार आज गाड़ी पार करने के लिए जगह ही नहीं मिली, बिकॉज आज शहीदी दिवस था। तो हम लोगों को इतनी मुश्किल से ले लेके हम लोग अभी भी हम पार्क ही नहीं करी गाड़ी, बस रोड पे खड़ी है। तो मम्मी को बोला है कि आप आओ ऑटो करके जाओ, हम लोग बाहर जाके रोड पे खड़े होते हैं लाल किले के सामने। यहाँ से इतनी पतली पतली जगह छोड़ रखी है, हमें गाड़ी निकाल के ऐसे जानी पड़ेगी। हम शायद एक संतरा एंजॉय कर लेते हैं। यार मुझे भी संतरा देख लो। नोना ले रही है बैलून, अभी हम जाएंगे सम्राट में। नोना क्या हो गया, इसका गुब्बारा ले लिया ना, इसने अपना पहले दे दिया, इसलिए इसकी दुकान है और इसने ये देखो ऐसा ना दोनों से मम्मी को छोड़ दे। अच्छा ये बोल ऋषि, चल नाच दे। नाच बशु, ये निशी नाच रही है, हमारा बाप एक ही है, मैं नहीं नाची इसलिए। भैंस गई पानी में, गाड़ी में बैठ गई और इतनी तेज की गिरी। मजा आ गया, आपने गिरा दी ना मम्मा, वो देखियो पैर होगा। गाइस बड़ी बड़ी फुर्ती में बैठ रही थी, अंदर आ रही थी, मैं भी आ गई। हम क्या थे, बाहर चली गई, हम क्या थे, बाहर चली गई। ले कैसे हंस रही है, आपके मारे गिरी है मम्मा, मम्मा गिर गई। चल नोना 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 बोल, भैंस गिर गई। गाइस गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो आप सभी। तो गाइस, गुन्नू का एग्जाम था आज, तो मैं गुन्नू को छोड़ने जा रहा था, मतलब कैंप तक जाऊंगा, बाकी इसके दोस्त वगैरह मिल जाएंगे, पैसे ना दे रहा हूँ और बाकी ये कह रही कबूतरों को दाना डालना आज, तो कबूतरों को डाल अंकल देना जरा, क्या चाहिए, मिक्स कर दो, कितने का करूं। रोक ले, इधर देख तो छोड़ दिया उसके, मतलब वो चली गई कॉलेज क्योंकि उसका 9:30 बजे का एग्जाम है, और वो बच गई। और मैं पी रहा हूँ चाय अभी गरम गरम, और मम्मी कह रही आज इतनी जल्दी क्यों आ गया। मम्मी को लगा कि मैं बाहर घूम रहा था, एकदम से आँख खुल गई। मैंने कहा चल तेरे को मैं छोड़ देता हूँ कैंप तक, उसका कॉलेज में तो कहाँ पड़ा है एग्जाम, जयदेव जी का कॉलेज था, स्कूटी में कैंप तक। अच्छा। कैंप से भी अपने दोस्तों के साथ चली गई दिव्या, उसका दिव्या कॉलेज ना दौलतराम, उसमें पढ़ा उसका एग्जाम। तो गाइस चलो चाय वाय पीते हैं, फिर नहाते धोते हैं, फिर मिलते हैं। आज कहीं जाने का प्लान है तो देखते हैं।
तो गाइस हम आए हैं कालका जी अंदर, और यार बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, लेकिन मामा जी निकले थे तो मामा जी ने फटाफट अंदर एंट्री करवा रहे, मामा जी कह रहे चले एंट्री करवाए तो, क्योंकि मामा जी नहीं रहते हैं ना इस वजह से। देख रहे हो मामा जी ने दो भाइयों को भेजा कि भाई की एंट्री करवा देना, अब देखते हैं एंट्री कैसे होती है। बाकी भीड़ भाई कमल मंदिर है ना, वहाँ से भीड़ लग रही है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ लग रही है, लेकिन फटाफट फटाफट दर्शन करने के लिए। यार मेरा ना कम से कम 2 महीने से मन कर रहा था, लेकिन आ नहीं पा रहे थे हम, लेकिन आज आने का थोड़ा सा। इस लाइन देख रहे हो कहाँ से लेके कहाँ तक लग रही है, लेकिन भाई साहब मैक्सिमम दिनेश 5 मिनट में नंबर आ गया होगा ना अपना। यहाँ से लाइन लग रही है कमल मंदिर के पास से, और अब हम घर भी जा रहे हैं। यार 2 मिनट के अंदर नंबर आ गया भाई, मज़ा आ गया। मतलब यार मेरे को नहीं पता था इतनी भीड़ होगी, क्योंकि और भी काम थे इस वजह से जल्दी दर्शन करने पड़ गए, वरना मैं तो सोच कर आया था भाई लंबी लाइन में लग के दर्शन करेंगे, क्योंकि लंबी लाइन में दर्शन करने का मज़ा भाई अलग ही आता है। बोले पकड़ जल्दी फोन पकड़, गई 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 गई। तो गाइस पता है इसको कोट पैंट ले रहा था, तो ये कोट पैंट लेने आया था, मैंने कहा यार चल दर्शन करने चलते हैं। तो गाइस अभी घर पहुँचते फिर आ गए हैं मंदिर, बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, ज़बरदस्त। मतलब वहाँ से लाइन लग रही है पगली तरफ से, लेकिन अब तो यहाँ पे नंबर आ गया हमारा, यहाँ कोई सीटिंग नहीं। जा रहे हैं सब मुक्ति दीदी के यहाँ पे, क्योंकि वो है बेबी शावर, तो उसलिए जाना, पम्मी भाई की तबीयत ख़राब है, उनको पहले हॉस्पिटल लेके गए थे। मैं मंदिर से आया तो निशी का फ़ोन आया, जल्दी आ जा पम्मी भाई को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो हॉस्पिटल लेके गए, फिर दवाई वाई दिलवा के घर छोड़ा। फिर अब सब के सब जा रहे हैं, इनको पहले बुराड़ी छोड़ूंगा, फिर मैं आके घर जाके फिर खाना पीना खाऊंगा। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस कचौड़ी खाई थी घर मंदिर पर, उसके अलावा कुछ नहीं खाया, भूख भी बहुत तेज की लग रही है। तो अब इन लोगों को छोड़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। भैया की गोद में रख दो, क्या हो रहा है आगे होने का पेट देखो, बोल रखी हुई है कि तूने बुला थोड़ा आगे और कि पूरी ना पोर नीचे चले जाए, गाइस यार रील बन रही है। चलो लोगों को कार इस साइड जाना है, थोड़ा थोड़ा ऐसे मटक कर फोड़ के। हम लोग आ गए थे प्रेरणा के घर पे, एंड आप लोग देख सकते हैं। ओह गाइस सॉरी, वापस जाऊंगी ना तो दिखाऊंगी पुनीत। गाइस आज पता नहीं पुनीत को क्या हो गया है, ये वशु की पढ़ाई कर रहा है, वशु का प्रोजेक्ट बना रहा है बैठ के, और बहन कॉफ़ी बना रही है, बूढ़ी वहाँ कॉफ़ी बना रही है बड़े फ्रिज में से सामान निकाल के, एंड पुनीत तो काम कर रहा है। गाइस गुन्नू मारने को नहीं दे रही, ये लगी पड़ी जब से 11 बज गए इसको, कितनी लगा रही है मेरे मुंह पे, अभी फाड़ना पहले हट जाओ भाई, हट जाओ, गुल्लू नहीं मारेगी आज, लगी पड़ी है 11:30 होगा, लेकिन इसकी वीडियो खत्म नहीं हो रही तब तो सुबह से। कंटिन्यू हम कुछ नहीं कह रहे, नो डिस्टर्ब। तो भाई कुछ पहन लेना, हमने कहना क्या, अच्छा ठीक है, चल 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 बना जाना, ले चल आ गया। फिर से आपका स्वागत है कंटिन्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइस हमें बहुत तेज की भूख लगी, तो मैं लेकर आया हूँ चाउमीन और बर्गर, और अपने लिए रोल, और एक चीज़ और है चीज़ा बोलते से, बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी आंटी से बनवाइए चाय, और आज अंगीठी भी लगाएंगे, आज आंटी ने अंगीठी मंगवाई है, तो आज अंगीठी के स्वाद देंगे, मुझे अंगीठी में हाथ सेकने में बड़ा मज़ा आता है। बाकी गुन्नू उन्नू आ रही है, और आज ठंड सबसे ज़्यादा है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो अभी खाते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया, तो सुबह से खा के फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस सब कुछ खा पी लिया, अब इसी के साथ करते हैं सालिम व्लॉग का यहीं पे एंड, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो सालिम व्लॉग का लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय बाय। पांडा पांडा गया।